अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माजी टेक्निकल इन्फो। आज की ये वीडियो नॉन मोनेटाइज और मोनेटाइज चैनल के लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि अब आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर सालों में नहीं बल्कि महीनों में पूरे होंगे। यूट्यूब ने आप सबको मौका दिया है दोस्तों, इससे फ़ायदा उठाएँ। वक्त जाए कि बाहर वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि एक स्टेप मिस किया तो वीडियो समझ नहीं आएगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लैपटॉप की स्क्रीन पर जाने से पहले लाइव स्क्रीन स्ट्रीमिंग के फ़ायदे बताऊंगा और यूट्यूब से लाइव और स्ट्रीम यार्ड से लाइव करने में फ़र्क भी बताऊंगा। यूट्यूब से सिर्फ मोबाइल से लाइव वीडियो और स्क्रीन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, स्ट्रीम यार्ड से मोबाइल से और लैपटॉप कंप्यूटर से दोनों से कर सकते हैं। इससे आप गेम भी खेल सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि किसी भी मुल्क में किसी भी शहर से कोई भी बंदा कोई भी व्यूअर्स आपको लाइव ज्वाइन कर सकता है। लाइव स्ट्रीम के फ़ायदे तो वैसे बहुत है, लेकिन दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग से आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं और सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और कोई भी किसी भी शहर से आपको ज्वाइन कर सकता है। तो जो जितनी देर ज्वाइन करेगा उतना ही वॉच टाइम आपको मिलेगा। अगर आप एक घंटा लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और 100 व्यूअर्स आपको ज्वाइन करते हैं तो 100 आवर्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है और इसको ज़ाया ना करें। तो चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है, गूगल में आपने स्ट्रीम यार्ड लिखना है। तो जैसे ही स्क्रीम यार्ड लिखेंगे ये आपके सामने, ये देखें ये फर्स्ट नंबर पे ही स्ट्रीम यार्ड का आ गया है। दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी स्ट्रीम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम्स, और इसके नीचे आप देख सकते हैं ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आपने ई मेल एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपने चैनल आई डी के अलावा कोई भी जी मेल आई डी डालना है। जीमेल आईडी डालने के बाद आपने ये गेट स्टार्टेड क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड क्लिक करोगे तो ये आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ईमेल सेंड, प्लीज़ चेक योर ईमेल, वी हैव सेंड टू लॉगिन कोड टू जानी बंगज 747@gmail.com। तो उसके बाद दोस्तों आपने सीधा आना है अपने जीमेल आईडी पे। जीमेल अकाउंट में आप जैसे ही आएंगे तो इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये देखें दोस्तों ईमेल आ चुका है, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये हमें कोड देगा, वो कोड हमने यहाँ पे इंटर कर देना है 908521 और इंटर कर देना। और इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन या कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप इस एजुकेशन ही सेलेक्ट कर दें। तो सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके सामने एड आर डेस्टिनेशन काफ़ी सारी ऑप्शन सामने आ जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक प्रोफाइल है, ट्विटर है, ट्विच है, और उसके बाद लिंक्ड इन प्रोफाइल है, पेज है, यूट्यूब चैनल है, होपेन है, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इस वक्त यूट्यूब चैनल पर लाइव करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा। तरीका इसका सेम यही है, चाहे फेसबुक पेज हो या यूट्यूब चैनल हो, तो आप जैसे आप वीडियो अपलोड करते हैं चैनल पे और फेसबुक पे तो आपने वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे ऐड आर डेस्टिनेशन ऐड करना है तो मैं यूट्यूब चैनल को क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपने चैनल आईडी डालना है। चैनल आईडी जैसे ही आप डालेंगे तो उसके बाद पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड पूछ ऐड करने के बाद आपने इंटर कर देना है। तो ये मैंने नेक्स्ट कर दिया है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ,
पासवर्ड डालने के बाद ये टू स्टेप वेरीफिकेशन आपसे मांगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल पे ईमेल आ गया है, यहाँ से मैं यस इट्स मी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं और ये आपके सामने देख सकते हैं कि मेरा चैनल ईमेल कनेक्ट हो चुका है और यहाँ से मैं अलाउ कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अलाउ करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरा चैनल जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है और अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अब जो है ना ब्रॉडकास्टिंग में जाएंगे। ब्रॉडकास्ट के बाद ये आपके सामने क्रिएट लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे और न्यू ब्रॉडकास्टिंग करना है। और ये आप देख सकते हैं माजी टेक्निकल इन्फो यूट्यूब चैनल मेरा पहले से ऐड है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप दूसरा चैनल भी कर सकते हैं या फेसबुक भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं यूट्यूब का करता हूँ तो यूट्यूब में चलूँगा। अब जैसे कि आप यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, आपने सेम वही करना है। यहाँ पे टाइटल देना है, जैसे कि मैं लिखते हैं हाउ टू लाइव स्क्रीन स्ट्रीमिंग। तो इस तरह दोस्तों आपने अपनी वीडियो का टाइटल यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे आप YouTube की वीडियो अपलोड करते हुए करते हैं सेम वही करना है। यहाँ से आपने पब्लिक अनलिस्टेड प्राइवेट वगैरह भी करना है, तो ये मैं पब्लिक नहीं करता, आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अनलिस्ट कर रहा हूँ, आप पब्लिक भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप शेड्यूल लेटर भी कर सकते हैं। शेड्यूल लेटर करने के बाद यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, कोई भी डेट हो, 3100 3200 जो भी आपने यहाँ पे लिखना है, टाइम और सारी चीज़ें सेट कर देनी। जैसे आप करते हैं अपने YouTube चैनल पे, यहाँ पे आपने थंबनेल देना है। थंबनेल देने के बाद आपने क्रिएट ब्रॉडकास्ट करना है। अब देखो दोस्तों, ये क्रिएट ब्रॉडकास्ट हो चुका है, ये हमारे चैनल पे थंबनेल भी आ चुका होगा। तो अब जो है ना हमने इंटर स्टूडियो करना है। जैसे इंटर स्टूडियो करोगे तो आप स्टूडियो में दाखिल हो जाओगे और ये आपके सामने देखो लोडिंग हो रहा है। अब यहाँ से आपने सेटिंग करनी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अलाउ माइक एंड कैमरा एक्सेस अलाउ कर दो, ये यहाँ से भी अलाउ कर दो। ये देखिए आपके सामने कैमरा भी आ गया है और माइक भी आ गया। तो माइक इस वक्त मेरे मोबाइल में लगा हुआ है, इसलिए मेरे कंप्यूटर में नहीं है, तो आपको साउंड और कैमरा की डिस्प्ले नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ से मड भी कर सकते हैं, स्टॉप कैमरा भी कर सकते हैं और मज़ीद सेटिंग भी इसकी कर सकते हैं। ये जनरल सेटिंग है, कैमरा है, ऑडियो आउट की, गेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ से आपने सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखना है। चैनल का नाम लिखें या आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इंटर कर देता हूँ इंटर स्टूडियो, लेकिन उससे पहले आपने अपना कैमरा चेक करना है और माइक फ़ोन भी चेक करना है। जैसे आप लगाओगे पीसी में माइक लगाओगे, कैमरा लगाओगे, तो यहाँ पे कैमरे में आपकी लाइव वीडियो आएगी और यहाँ पे माइक जो है ना वो वर्किंग करता हुआ आपको नज़र आएगा। उसके बाद हम इंटर स्टूडियो करते हैं। इंटर स्टूडियो करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, आप ये करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो को आखिर तक देखें और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीखें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अब इसकी मैं मज़ीद इसकी सेटिंग है। तो सबसे पहले आपने प्रेजेंट में जाना है। प्रेजेंट में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि आप स्लाइड्स दिखाना चाह रहे हैं या एक्स्ट्रा कैमरा अगर आपके पास है वो लगा के आप वो कैमरे की वीडियो लाइव करना चाहते हैं, या कोई वीडियो फाइल है आप इससे वीडियो फाइल भी लाइव कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पहले की वीडियो बनी हुई है तो आप इस पर वो वीडियो भी लाइव चला सकते हैं। तो दोस्तों मैं चूँकि शेयर स्क्रीन करना है तो मैं तो शेयर स्क्रीन पर क्लिक करूँगा। अब ये देखें आपके सामने ये आ चुका है,
ये टू मॉनिटर भी कर सकते हैं और स्क्रीन शेयरिंग वर्क्स बेस्ट ऑन गुड कंप्यूटर, ये ऑडियो वीडियो हर चीज़ कर सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ डोंट शो दिस टिप्स अगेन और शेयर स्क्रीन। तो ये देखें दोस्तों आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आप ये आपसे पूछ रहे हैं कि इंटायर स्क्रीन आपने शेयर करना है या विंडो को शेयर करना है या आपने टैब को शेयर करना है। तो मैं यहाँ पे एक टैब ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ टैब में दोस्तों अपना चैनल आप लॉगिन करेंगे और किसी भी का भी चैनल लॉगिन करेंगे। इस टैब में आप जो भी करेंगे, जो भी यूट्यूब में ऑन प्ले करेंगे तो वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में शो होगा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसकी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।